अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाफिज़ गुलशेर चैप्टर नंबर 20 फर्स्ट हाफ की रिवीजन के साथ हाजिर है। पहला एमसीक्यूज है, इट डैश इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ड्यू टू विच क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट। वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के हिसाब से, स्टेनिंग के हिसाब से, साइज के हिसाब से। वो एक ही फैक्टर है, वो है कैरियोटाइप। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश परसेंट प्रोटीन्स एंड डैश परसेंट डीएनए। रिवीजन लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा था हमने कि 60% प्रोटीन होती है और 40% डीएनए होते हैं। सेंट्रल रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन हेरेडिटी वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। क्रोमोसोम्स का विरासत में रोल है, इस पॉइंट को सबसे पहले रेज किया था इस साइंटिस्ट ने, इसका नाम है कार्ल कॉरन्स। डैश परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन माउस टू चेक डीएनए इज अ हेरेडिटरी मटीरियल। रिवीजन लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि माउस पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन था, फ्रेडरिक ग्रिफ था, और दो किस्म के बैक्टीरिया की स्ट्रेन ली थी इसने, एक एस वाली थी और एक आर वाली थी। जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर डीएनए फ्रॉम डैश। अब वंस अगेन यहाँ पर देखें वो रिवीजन लेक्चर वाली बात कि फ्रेडरिक तीन है, एक वो फ्रेडरिक है जिसने डीएनए के बारे में कहा था ये वरासती मादा है, वो है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। एक फ्रेडरिक मिशर है, इसने न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया है, किससे, फिश स्पर्म से और ह्यूमन सेल से, पस सेल से, तो लिहाजा इसका ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड सी। एक और फ्रेडरिक है, उसका नाम है फ्रेडरिक सेंगर, और वो था इंसुलिन का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन डी ऑक्सीराइबोज शुगर ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम कार्बन नंबर डैश। जब हम पांच कोनों वाली शुगर बनाते हैं जिसे आप पेंटोज शुगर कहते हो, पेंटोज शुगर की दूसरी कार्बन पर हम एक ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं, किसके अंदर, डीएनए के अंदर, बिकॉज डीएनए का मीनिंग है डी ऑक्सी, और डी ऑक्सी कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन नंबर दो से हम एक ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, लिहाजा ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडिनिन थायामिन गुआनिन साइटोसिन, क्लियरली हम पढ़ चुके हैं डीएनए के मॉडल में भी कि एडिनिन और थायामिन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, अब जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना एक हेलिक्स में, अब उस ये जो एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स में एडिनिन थायामिन फिर गुआनिन साइटोसिन, आपने उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बताना है, मतलब एक बेस अगर एडिनिन थायामिन है दूसरी गुआनिन साइटोसिन है, उन दोनों के दरमियान आपने डिस्टेंस बताना है और वो कितना होता है 0.34 नैनोमीटर का, ये ऑप्शन आएगा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, एस फॉर्म और आर फॉर्म बैक्टीरिया में डिफरेंस, क्लियरली हम पढ़ चुके हैं रिविजन लेक्चर में, स्मूथ रफ वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट, पॉलीसेक्राइड कोट है पॉलीसेक्राइड कोट नहीं है। न्यूक्लियोसोम्स 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद, रिवीजन लेक्चर में पढ़ा था हमने, हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद रैपिंग होती है स्टोन प्रोटीन्स की। क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिन में डिफरेंस क्या है, पढ़ चुके हैं हम, क्रोमाटिन कंडेंस होकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम डी कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमाटिन। कंजर्वेटिव मॉडल और नॉन कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, वैसे तीन मॉडल्स हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। एक मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बोर्ड के हवाले से एक अहम है, दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, आप मेरी बाजू को समझ लें, एक ये पेरेंटल स्ट्रैंड, ये पेरेंटल स्ट्रैंड, ये एक स्टिक है, इसके ऑपोजिट ये डॉटर है, इसके ऑपोजिट ये डॉटर है। अगर एक स्ट्रैंड पेरेंटल हो एक डॉटर हो तो वो मॉडल कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसमें आपने वो तीन यूनिट्स बताने हैं न्यूक्लियोटाइड के, एक पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजीनस बेस। थैंक यू बेटे।